सो गाइस, मेरे साथ में स्कैम होते होते हुए बच्चा एक्चुअली फाइबर पे मेरा अकाउंट है फ्रीलांसिंग के लिए, और मैंने आज तक कोई भी मतलब क्लाइंट का काम नहीं किया फाइबर पे। तो जो एक्सपीरियंस है, जो काम करते हैं उन्हें तो पता है, बट जो एक फ्रेशर होता है, जो बिगनर होता है, उसे प्रोसेस के बारे में नहीं पता होता ना कि कैसे जो है कोई प्रपोजल आपको देता है, कोई आपका एक्सेप्ट करता है, कोई आपको हायर करता है, तो कैसे प्रोसेस होती है, कैसे कंफर्मेशन होता है, सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें नहीं पता होती, राइट। तो मेरे साथ में स्कैम होते होते बचा फाइवर पे, और ये दूसरी बार हुआ है आज मेरे साथ में, ये दूसरी बार हुआ है, पहले हो गया था 2 3 4 दिन पहले। तो एक्चुअली सामने से कोई भी बंदा अप्रोच करेगा आपको, डायरेक्टली मैसेज करता है, एंड एक मैसेज उसमें लिखा रहता है कि ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड एंड सेल बायर ने पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है। एक लिंक रहती है, टू कंफर्म दिस ऑर्डर इस लिंक को पेस्ट करो, वहां पे लिखा रहता है। तो भाई मैं नया, मेरे को लगा कि ऐसे कोई सिस्टम होगा। तो पहली बार जब मैसेज आया तो मैंने वो लिंक कॉपी करी, दूसरे ब्राउजर में ओपन किया। अब वहां पे क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन पेमेंट वेरीफाई करने के लिए बोलते हैं। वहां से थोड़ा लोचा लगा, मैंने कहा यार क्या लोचा है। तो मैंने कहा नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है यार, मतलब क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन क्यों मांग रही है। तो भी मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, मैं समझ गया कि ये स्कैम है। ओके, अब लगभग 5 6 दिन हो गए उस बात को, आई थिंक 6 7 दिन हो गए। आज वापिस मेरे को ऐसे ही थोड़ा डिफरेंट मैसेज आया कि फाइवर सपोर्ट से आया मेरे को इस बार। पिछली बार मेरे को एक बंदे से ही आया था, कि यूजर से आया था। ओके, वो यूजर, उसकी कोई गिग्स वगैरह नहीं थी, उसका कोई प्रोफाइल टेक्स्ट था नहीं प्रॉपरली, यूएसए का अकाउंट था। आज मेरे को फाइवर सपोर्ट वहां पे लिखा हुआ है, एक्चुअल में वो फाइवर सपोर्ट नहीं था, फाइवर सपोर्ट वहां पे लिखा है। मेरे को मैसेज आता है कि ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड, ये लिंक है कंफर्म करने के लिए, इसे दूसरे ब्राउजर में ओपन करा, आपके ब्राउजर में। मैं ओपन किया और उस लिंक को ओपन किया, वही सिस्टम, वही पहले वाला क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन। इस बार साला मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि यार शायद होता होगा ऐसे कुछ क्रेडिट कार्ड से, आई डोंट नो, वेरिफिकेशन होता होगा, क्लाइंट ने पेमेंट कर दिया है तो वेरीफाई करना आपको। अब भाई मैं बंदा टेकी हूँ, मेरे को सारी चीजों का नॉलेज है, लेकिन फिर भी साला एक बार तो इंसान कंफ्यूज होगा, क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ, मैंने आज तक काम किया नहीं फाइबर पे। और फाइबर पे इवन वहां पे वो भी रहता ना कि ऑर्डर का बताता है सेक्शन में, एनालिटिक में, कि कितनों ने ऑर्डर प्लेस किया, तो वहां पे भी जीरो बताता है। लेकिन यार मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या मैटर, मतलब हो सकता है वेरीफाई करना होता हो। तो मैंने क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डाली, डाल दी मैंने, मैं क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने डाली सीवी वगैरह, एंड वहां से आगे प्रोसीड करने क्लिक किया मैंने, तो आई डोंट नो वो क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन स्कैमर के पास गई है नहीं गई है, मुझे नहीं पता। बढ़िया, मेरे साथ में स्कैम हुआ नहीं है, ऑल दो इतना तो मैं हूँ। तो जैसे मैंने वो क्लिक किया आगे प्रोसीड करने के लिए, मतलब देखते थे लेट सी, क्योंकि मुझे मालूम था कि यदि कुछ भी होगा पेमेंट के लिए, मेरे पास में ओटीपी या नोटिफिकेशन आएगा, डायरेक्टली इनिशिएट पेमेंट नहीं होगा, आई नो। एंड क्रेडिट कार्ड में तो आप लाइबल भी नहीं होते हो, आप डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हो, उसमें पैसा सेफ रहता है। ओके, तो फिर ना मतलब जैसे मैंने उस पर आगे प्रोसीड किया, तो एक पॉपअप आया और उसमें पूछा जाता है कि इंटर यू हैव एग्जिस्टिंग अमाउंट इन योर क्रेडिट कार्ड, बैलेंस बताओ। मैं समझ गया स्कैमर का चालाकी, यहाँ पे समझ गया चालाकी ये कि आपसे बैलेंस पूछेंगे, कितना बैलेंस है अभी आपके क्रेडिट कार्ड में, और पूरा जो अमाउंट आप इंटर करोगे ना, वही अमाउंट पूरा साफ हो जाएगा, एकदम क्लियर, उसका पेमेंट ओटीपी वगैरह आएगा, ओटीपी डालोगे, गया खेल खत्म, आपका सारा पैसा एक ही बार में, पूरा कार्ड का बैलेंस। तो स्कैम ये चल रहा है। फिर ना मैंने सोचा यार कि चलो यूट्यूब पे वीडियो देखते इसके रिगार्डिंग, तो मैंने जस्ट ये सर्च किया स्कैम ऑन फाइवर, तो कुछ वीडियो आए, तो एक वीडियो सिलेक्ट किया मैंने, देखा उसमें पहला जो मोस्ट कॉमन स्कैम था वो यही था कि बायर जो है कभी फाइवर सपोर्ट बनेगा, कभी सेल बायर बनेगा, कुछ भी बनेगा, आपको एक लिंक देगा, उस लिंक को ब्राउजर में ओपन करो, एक पेमेंट वेरिफिकेशन पेज देता है, जो कि फाइवर कभी आपसे क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन ऐसे कुछ भी नहीं मांगता है। और तो जहां तक मुझे लगता है कि वो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन स्कैमर के पास नहीं गई है, और गई भी हो तो उससे घंटा फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि पेमेंट मेरा वो वन कार्ड है एक्चुअली, और वन कार्ड की सिक्योरिटी अलग लेवल की होती है, तो उस पर ऐसा भी नहीं, इंटरनेशनल पेमेंट बंद कर रखा है मैंने,
तो डोमेस्टिकली यदि वो करता है इंडिया में ही, इंडिया में भी करेगा नहीं, हालांकि हर कोई भी स्कैमर नहीं करेगा, मेरा जो वो कार्ड है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है नहीं, मैंने सेटिंग में से बंद कर रखा है। दूसरी बात, वो स्कैमर इंडिया से है नहीं, और वो यदि इंडिया में ट्रांजेक्शन भी करना चाहेगा तो नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेरे पास में नोटिफिकेशन आती है पेमेंट ऑथोराइज करने के लिए और OTP आता है, तो वो तो मैं करने वाला हूँ नहीं। तो बिल्कुल राइट नाउ सेफ हूँ मैं, बच गया हूँ कह सकते हो, मतलब स्कैम हो जाता है मेरे साथ में। तो ये चीज़ें हैं यार, मतलब यदि आप नए हो किसी प्लेटफॉर्म पे एंड आपको नहीं पता, लेकिन ये बेसिक सी चीज़ें हैं, लाइक कोई भी प्लेटफॉर्म ना, कोई भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी सेलर जो है आपको जो पेमेंट कर रहा है ना, वो पेमेंट आपके डायरेक्टली फाइबर अकाउंट में जाता है, राइट। सामने वाले ने यदि पेमेंट किया है तो फाइबर अकाउंट में जाएगा डायरेक्टली, वो आपसे क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेंगे। ओके, मतलब वहां पे लिखा गेट फंड, गेट फंड मतलब पैसे लो, वहां पे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है। ये सारा ऐसा कौन सा पेमेंट मेथड है जिसमें क्रेडिट कार्ड में आप पैसे लेते हो? क्रेडिट कार्ड से पैसे जाते हैं, क्रेडिट कार्ड में कोई पैसे डिपॉजिट नहीं करता है। तो फिर वो स्कैम वगैरह, यहाँ से मैं चीजें फंडे समझ गया, उसको भी मैंने ब्लॉक किया। ओ थैंक गॉड यार, मतलब साला पता नहीं कैसे कैसे स्कैम चलते होते, बहुत होशियार रहना पड़ता है गाइस, बहुत होशियार। ठीक है, मैं तो समझ गया हूँ इन चीजों के बारे में, मैं टेक ही बंदा हूँ, बट यदि मेरी जगह पे कोई और नॉर्मल इंसान रहता, ऑर्डिनरी पर्सन जो टेकी नहीं है, इतना टेक सेवी नहीं है, तो उसके साथ में तो स्कैम हो जाता है, और होता होगा यार, कितनों के साथ में स्कैम होता होगा। तो इन चीजों से ध्यान रखो यार, आई होप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग देखे, और फाइवर पे यदि आप इन फ्यूचर अकाउंट बनाने वाले हो या फिर ऑलरेडी अपना अकाउंट बना रखा है, ऐसा कुछ भी मैसेज आता है आपको तो डायरेक्टली उसको ब्लॉक करो, कोई मतलब नहीं है, या फिर हाई मैसेज सेंड करो उसको, हाई हेलो कुछ भी बात करने की कोशिश करो, उससे रिप्लाई देगा ही नहीं वो, हाई हेलो कुछ भी नहीं करेगा, है ना। और थोड़ा उसको रहने दो, ऐसा ऐसा कुछ टाइम बाद में ऑटोमेटिकली फाइबर उसको हटा देगा, सस्पेंड कर देगा उसके अकाउंट को, क्योंकि वो फाइबर डिटेक्ट कर लेता है, उसको टाइम लगता है बट हाँ कर लेता है वो डिटेक्ट इन चीज़ों को। ओके, तो एक तो ये है कि आप डायरेक्टली उसको ब्लॉक कर दो, मैंने ब्लॉक कर दिया है। तो आई होप फाइबर इन चीज़ों पे एक्शन लेगा, हालांकि फाइबर ना लिंक वगैरह को स्कैन करता है। ओके, आई डोंट नो, वो लिंक नहीं देता है, वो जस्ट वहाँ पे लिंक नहीं देती, वहाँ पे एक टेक्स्ट ही रहता है, वो टेक्स्ट फॉर्म में देता है वो, आप उसको हमें कॉपी करना होता है और दूसरे ब्राउजर में ओपन करना होता है, तो वो एक सेपरेट लिंक नहीं होती, क्योंकि लिंक फाइबर ब्लॉक कर देता है, वो स्कैन कर लेता है लिंक को। ये चीज़ें हैं, स्कैमर स्मार्ट होते हैं तो हमें भी स्मार्ट रहना ही पड़ेगा।